और चलिए आगे बढ़ते हुए एक बड़ी खबर का रुख करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर जबलपुर से आ रही है, तो ये बड़ी जानकारी जबलपुर से, जहां पर बरगी डैम में फिर बड़ा हादसा हुआ है। ये बड़ी खबर इस वक्त की, पुल घाट पर मां और बेटे के डूबने से मौत बताई जा रही है। बेटे को बचाने के चक्कर में मां भी पानी में छलांग लगाई, जिसके बाद से पैर फिसलने से पानी में बेटा गिरा था, और बेटे को बचाने के चक्कर में मां ने भी छलांग लगाई और मां और बेटे की दोनों की मौत बताई जा रही है। ज्यादा जानकारी के लिए सीधे राजेश का रुख कर लेंगे। राजेश विश्वकर्मा संवाददाता इस वक्त फोनलाइन पर जुड़े। राजेश, क्या जानकारी है? और दीप्ति, देखिए एक बार फिर बड़ा हादसा, दर्दनाक हादसा जो है बरगी डैम में हुआ है। अगर बात की जाए तो बरगी के जो पुल घाट है, वहां माँ बेटी की डूबने से मौत हुई है। 9 साल का बेटा था मोहित, जो कि माँ वहां कपड़े धो रही थी और बेटा नहाने के लिए गया था, और उसी दौरान ये हादसा कहीं ना कहीं हुआ है। बेटे का पैर फिसला और वो सीधे पानी में जा समाया। उसको बचाने के चक्कर में जो है माँ भी पानी में कूदी, लेकिन माँ की भी जो जान है वो चली गई। दोनों को अभी गोताखोरों ने दोनों के शव को निकाला है। जो माहौल है गमगीन है। बरगी नगर के ये रहने वाला परिवार था। क्रांति पटेल महिला का नाम है और बेटे का नाम मोहित पटेल था। और क्योंकि ये दूसरा हादसा है बरगी डैम में बड़ा हादसा अगर बात की जाए, तो इसके पहले एक दो भाइयों की मौत इसी तरीके से हुई थी, जब एक को बचाने के चक्कर में दूसरा भाई भी पानी में डूब गया था। तो कहीं ना कहीं हादसे लगातार हो रहे हैं, और ऐसे समय पर जो आसपास के घाट हैं और इस तरीके के वहां पर निगरानी की कहीं ना कहीं मांग जो है वो आमजन कर रहे हैं, और ग्रामीण जो है वो कहीं ना कहीं मांग उठा रहे हैं। पूरे पूरे मामले की जांच जो है वो बरगी पुलिस कर रही है, और लगातार कहीं ना कहीं जो मांग है वो इन घाटों पे सुरक्षा की है और जांच की है। तो क्या सुरक्षा के लिहाज से वहां पर किसी भी तरह की कोई व्यवस्था नहीं की गई है डैम के आसपास? देखिए, लगातार जो पुलिस की निगरानी टीम है वो नजर रखती है, लेकिन जो आसपास के ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ के लोगों के लिए जो इस्तेमाल किया जाता है वहाँ पर किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं है, और यही वजह है कि बड़े हादसे का कारण जो है वो हर बार बनती है कि कहीं लोग पिकनिक मनाने जाते हैं तो उस दौरान कहीं ना कहीं ये निगरानी लोगों पुलिस विभाग की नहीं रहती, और जो होमगार्ड के जवान हैं वो तैनात नहीं रहते, तो कहीं ना कहीं बड़े हादसे होते हैं। कुछ दिन पहले ही पिकनिक मनाने गया एक परिवार के दो बेटे जो है उनकी मौत हुई थी, और आज ये बड़ा हादसा हुआ। तो कहीं ना कहीं एक बार फिर जो है वो एक बार हम अपडेट आपसे लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए धन्यवाद। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ की हर खबर सीधे आपके मोबाइल फोन पर। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं पल पल की खबर।